21 जुलाई के बाद छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की घोषणा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यह लॉकडाउन 21 जुलाई के बाद लगेगा और एक सप्ताह के लिए होगा। सीएम हाउस में हुई मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह लॉकडाउन पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा है, सिर्फ वहीं लॉकडाउन लगाया जाएगा और यह अधिकार कलेक्टर के पास होगा। लॉकडाउन के लिए शहर की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिकों के लिए आयोजित होगी रोजगार कैंप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार कैंप आयोजित किए जाएंगे। लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों से जिलों में स्थित विभिन्न उद्योगों, फर्मों और संस्थानों में काम करने वाले कुशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या में कमी की जानकारी एकत्रित की जा रही है। मौदापारा थाने में आरक्षक निकला कोरोना पॉजिटिव, सभी स्टाफ का कराया जा रहा टेस्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। एसएसपी ऑफिस और कबीर नगर थाने के बाद मौदापारा थाना का एक आरक्षक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सूचना के बाद शुक्रवार देर रात स्वास्थ्य विभाग की टीम आरक्षक को लेने पहुंची थी। वहीं थाने के बाकी स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के ट्वीट का विधायक विकास उपाध्याय ने दिया जवाब। पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना संक्रमण के रोकथाम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। चंद्राकर ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से ज्यादा मृत्यु क्वारंटाइन सेंटर में हुई है, इसके कारणों की न्यायिक जाँच होनी चाहिए। तो वही विधायक विकास उपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा कि अजय चंद्राकर भाजपा के अनुभवी नेता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना की शुरुआत हुई थी तो भाजपा नेता कहां थे। कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने वालों पर लगेगी जुर्माना। छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए, होम क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर 100 रुपए और दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। IPS के भतीजे ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा, मेरा करियर हो चुका है बर्बाद। भिलाई में रहने वाले IPS अफसर के भतीजे ने खुदकुशी कर ली है। सुसाइड करने वाले बालक का नाम आशीष पैकरा है। वह वरिष्ठ IPS और अतिरिक्त परिवहन आयुक्त TR पैकरा का भतीजा था। शुक्रवार की सुबह आशीष ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। एक ही परिवार के 18 लोग कोरोना पॉजिटिव, घूमकर आए जतमई घटारानी, संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। लोगों की लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बता दें कि शुक्रवार को राज्य में 242 मरीजों की पुष्टि हुई है। रायपुर के शांतिनगर में एक ही परिवार में 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जाता है कि ये सभी लोग रविवार को घटारानी और जतमई घूमने आए हुए थे। कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 34,884 नए मामले, 671 की मौत। आज अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले ब्राजील में नहीं भारत में आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण से सबसे ज्यादा 34,884 नए मामले सामने आए हैं और 671 लोगों की मौत हुई है, जबकि ब्राजील में 33,959 नए मामले आए हैं। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 10,38,716 हो गई है। में 358,692 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 653,751 लोग ठीक हो चुके हैं। 26,273 लोगों ने अब तक जान गंवाई है। राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होगा भूमि पूजन। जल्द ही राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अगस्त महीने की 5 तारीख को भूमि पूजन का कार्य होगा। बताया जा रहा है कि PM मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया है। ऐश्वर्या राय बच्चन बेटी आराध्या के साथ नानावटी अस्पताल में भर्ती। कोविड-19 पॉजिटिव ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐश्वर्या को अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद कोविड-19 के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। वो घर पर ही क्वारंटाइन थे, मगर अब उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर में आज बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन करें www.dainandini.in और वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करें DNXTV।